हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट करेंगे कैश बुक चैप्टर से ही, और क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन हम आपके सामने यहाँ करेंगे जो फॉर्मेट बना रखा है। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन। तो मिस्टर मोहन की यहाँ पर हमें टू कॉलम कैश बुक बनानी है, और ट्रांजेक्शन देखिए सबसे पहले है 1st of Jan को उन्होंने कैश इन हैंड दे रखा है एंड एट बैंक दे रखा है, दोनों का बैलेंस दे रखा है, कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव बैलेंस है जी। आइए 1 जनवरी को हम बैलेंसेस लिखें। Jan 1 को कुछ नहीं कहा इन्होंने तो पॉजिटिव बैलेंस मांगी, दोनों को हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो कैश का बैलेंस है ये 2,200 रुपए, और जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो है 50,000। ये क्वेश्चन में गिवन था, बैलेंसेस मैंने लिख दिए यहां पर। इसके बाद 3rd of जनवरी को क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स ऑफ 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये कैलकुलेशन समझिए। यहाँ पर थर्ड को आपने परचेज किया है, यानी परचेज किया है तो यहां पर आपकी एंट्री आनी है थर्ड को बाय परचेजेस। इसमें अमाउंट क्या आएगा मैं उसका वर्किंग नोट बना देता हूं आपके सामने, ये देखिए स्पेस नहीं है, वर्किंग नोट यही बना रहे हैं हम लोग, बाद में इरेज कर देंगे इसको। Working Note 1 फॉर परचेजेस, ठीक है, इसे आप Working Note 1 के नाम से डिनोट भी कर दीजिएगा। आपके पास जो है लिस्ट प्राइस है, क्वेश्चन ने दिया 75,000, 75,000 रुपए। इस लिस्ट प्राइस के बाद क्वेश्चन कहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 20% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 7,500, 15,000, 15,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये हमारे पास 60,000 आ गया। 60,000 में आपने जीएसटी ऐड करना है, एसजीएसटी ऐड करना है, 6-6% है, तो कंबाइंड टोटल 12% कर लें जीएसटी, ठीक है 12% के हिसाब से आ गया, 6-6% यानी 12% हो गया। तो 12% बताइए कितना बनेगा हमारा 60,000 पर, कैलकुलेट कीजिए 12%। हाँ जी, कितना आएगा 7,200 रुपए, 7,200 रुपए आ गया। तो हमारे पास जो परचेज वैल्यू है, इनवाइस वैल्यू कितनी आ गई 67,200। ये वैल्यू हमने यहां लिख दी क्योंकि हमने जो परचेज किया है उसकी पेमेंट चेक से की है, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहां 67,200। अच्छा, एक चीज और आपको मुझे बतानी है इस क्वेश्चन में, छोटा सा एक कहते हैं टेक्निकल एरर है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा आप। टेक्निकल एरर क्या है मैं बताता हूं। देखो हमारे पास बैंक में पैसा कितने का है, 50,000 है, और हमने पेमेंट कितने की करवा दी 67,200 की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा हो, ठीक है, तो इसलिए टेंशन में मत आना कि पेमेंट इतना ही था और 67,200 है। हाँ, आपके पास अगर बैंक की फैसिलिटी ऐसी है जो कि आपको ओवरड्राफ्ट नहीं देता तो ये क्वेश्चन गलत होता, बट आप ऐसा मान नहीं सकते क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। जनरली बैंक अपने कस्टमर्स को, बिजनेसेस को क्रेडिट फैसिलिटी देता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं करना। अच्छा, ये वर्किंग नोट मैं अब हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, आपने लिख लिया होगा आई होप बिलीव इसको 67,200 कैसे आया। इसके बाद चलिए आगे, और आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट है जी 4th ऑफ जैन को एंट्री है, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, हमने सेल की है 40,000 की, ट्रेड डिस्काउंट 15% दिया और आईजीएसटी है 12%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। यहां पर भी 4 तारीख को जो एंट्री आनी है इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आइए, 4 तारीख को एंट्री आएगी टू सेल्स, अकाउंट और वर्किंग नोट नंबर आप 2 दे दीजिएगा इसको, ठीक है, पेमेंट चेक से आई है तो आप इसे यहां लिखेंगे। वर्किंग नोट देखिए जी, वर्किंग नोट नंबर 2, आपके पास जो लिस्ट प्राइस है, जी क्वेश्चन ने दिया है लिस्ट प्राइस हमारे पास 40,000 का, 40,000 का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया, डीटी लिख दिया, ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट 15%,
तो 15% ट्रेड डिस्काउंट है क्वेश्चन में, तो कितना होगा ट्रेड डिस्काउंट भाई? 10% होता 4000 और 15% हो जाएगा 6000 रुपए, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 34000 आ गया माइनस करके। इसके बाद इसमें टैक्स प्लस होना है, आईजीएसटी प्लस होना है एट द रेट, रेट क्या था आईजीएसटी का? 12% रेट है, ठीक है, 12% रेट है। तो जरा 34000 का 12% कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आता है। मेरे हिसाब से 4080 रुपए बनता है, 4080 रुपीज प्लस करो, ये क्या आ गया? ये सेल वैल्यू आ गई, सेल प्राइस आ गया, इनवाइस प्राइस आ गया, कितना आ गया? 38080 रुपीज। आइए जी, तो इसका आपको चेक मिल गया 38080 रुपीज का, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग, ये वर्किंग नोट में आपका यहां से हटा रहा हूं, हमें आगे काम करना है यहां पर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिफ्थ को, रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश, हमें चेक मिला है नरेश से, ठीक है, चेक मिला है 1000 रुपए का, पर कुछ कहा नहीं, बैंक में जमा कराया नहीं कराया। और अगले ही दिन 8 तारीख को, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको पता होता है कि चेक जमा हुआ या नहीं हुआ, बट यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 तारीख को कहा है जो चेक मिला था नरेश से वो हमने इंडोर्स कर दिया, यानी किसी और को दे दिया, इसका मतलब है वो चेक आपने बैंक नहीं किया होगा, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया होगा। आई होप ये बात क्लियर है हम लोगों को। अच्छा, अगर ये चेक डिपॉजिट ही नहीं किया तो क्या इसकी कोई एंट्री करेंगे? कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे इसकी हम, क्यों एंट्री नहीं करेंगे? क्योंकि ना तो कैश इंपैक्ट हुआ है इससे, ना ही बैंक इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। 5 और 8 तारीख की एंट्री, दोनों एंट्री नहीं होगी क्योंकि अगला चेक इंडोर्समेंट की एंट्री है, वो ट्रांजेक्शन है। तो 5th और 6th को नो एंट्री, ठीक है, नोट में डाल भी दीजिएगा 5 या 6 तारीख को नो एंट्री, एक मिनट, नो एंट्री फॉर 5th एंड 6th है क्या, 5th एंड 8th जैन ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना, एज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंपैक्ट ऑन कैश और बैंक। इसके बाद आइए 10th को, 10 तारीख को कहता है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मोहन, मिस्टर मोहन जो हमारे ऑनर हैं उनका प्रीमियम पे किया गया 100 रुपए का, कुछ नहीं कहा तो कैश से मानेंगे। 10th बाय ड्रॉइंग, भाई पर्सनल खर्चा है उनके, लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा बिजनेस नहीं उठाएगा, 100 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, कैश में माना हमने इसको। देन 13th को कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 750, 750 रुपए का अकाउंट सेटल हुआ, चेक मिला 700 रुपए का 13 तारीख को, चेक मिला है 13 तारीख को 700 रुपए का। आइए लिखें इसे, टू पवन, पवन्स अकाउंट, चेक मिला तो बैंक में आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी सॉरी 16th को उन्होंने कहा है पवन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक, जो चेक लगाया था बैंक में आपने वो डिसऑनर होगा, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो आपको बैंक के बैलेंस को कम करना होगा 16 तारीख को, और पैसा किससे मांगना होगा? दोबारा पवन से, पवन अकाउंट, पैसा तो पूरा 750 मांगेंगे बट यहां पर केवल कितना आएगा? 700 रुपए, बाकी डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना यहां 750 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहां हम किसके लिए लिख रहे हैं इसको, ताकि जो बैंक आपने गलती से बढ़ा लिया था, जो रियलिटी में पैसा नहीं आया तो उसका इंपैक्ट हटाया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है 20th को, 20th को कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, यानी ये एडजस्टमेंट है फाइनल, ध्यान से सुनिएगा, कहता है हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया, यानी कैश में से कराया होगा, कहता है हमने बस कितना पैसा रखा अपने पास 20 तारीख को, कहता है हमारे पास जो बैलेंस कैरेट डाउन होगा ना, जो क्लोजिंग होगा कितना होगा? बस 250 रुपए रखेंगे हम, ठीक है। वैसे ही मुझे बैलेंस 20 तारीख को नहीं लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, हम इसे 20 को नहीं, ये तो बाद का बैलेंस होगा, बच जाए। वो कहता है 20 तारीख को ऐसा कुछ करो कि आपके पास अंत में 250 रुपए बचे, कैश में 250 बचे, तो ध्यान से देखना कैश का टोटल कितना है डेबिट का? 2200 रुपए, और कैश का क्रेडिट कितना है? इसको मत देखो अभी, ये तो मैंने कहा 250 तो बच जाने चाहिए, 100 रुपए, यानी 2100 रुपए हमारे पास ऑलरेडी हैं, 2100 में से
आप चाहते हैं कि आपके पास 250 रुपए बच जाएं, तो ये माइनस कर दो 250, 2100 रुपए तो कैश है ना, 2200 आया, इसमें से 100 गया है केवल। उसमें से मैं कह रहा हूँ 250 रुपए मेरे पास बचने चाहिए, 2100 में से 250 बस बचने चाहिए कैश में, बाकी बैंक में जमा करा दो। तो कितने बैंक में जमा कराओगे, 2100 में से 250 गए तो 1850 रुपए, 1850 रुपए बैंक में जमा करा दोगे आप। एंट्री क्या होगी, बाय बैंक में जमा करा रहे हो तो बैंक के कारण कैश कम हो जाएगा बैंक अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट डालना इसको 1850 रुपए, ठीक है। और क्योंकि 20 तारीख को बैंक में पैसा जमा हुआ है तो बैंक में भी लिखेंगे कैश के कारण, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, बैंक में आया है पैसा 1850 रुपए। आई बिलीव ये बात आपको समझ में आती है, ये वर्किंग क्लियर हो गई आपको। वर्किंग किसके लिए किया हमने, हमने ऐसा कहा कि बस हमें 250 रुपए रखने हैं कैश में, बाकी बैंक में जमा कराना है। तो कैलकुलेट कर लो, 2200 थे, 100 रुपए घटे यानी 2100 बचे, 2100 में से 250 रखने हैं तो कितने बच्चे जमा कराने पड़ेंगे, 1850 रुपए, ठीक है। आइए आगे चले यहां से हम लोग, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं तो हम जरा अब बैंक को भी टोटल कर दे। अच्छा कैश का तो टोटल मैच हो गया होगा, ये लो जी। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो ये बैलेंसिंग अमाउंट है ना कि 250 बचने चाहिए, गिवन था हमारे पास, इस बार क्वेश्चन ने बताया कि 250 रखो, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो ये है। बैलेंसिंग फिगर कौन सी आई है, ये जो आपने बैलेंस करके निकाला, एक्चुअल में बैलेंस करके भी निकाल सकते थे कि यहाँ 250 लिख दिया तो यहाँ कितना लिखें ताकि 2200 आ जाए, तो इसे आप बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं बैंक पर, बैंक का टोटल करो एसेट साइड का यानी डेबिट साइड का, टोटल करके मुझे बताइए कितना आ रहा है जी, कितना, 90,630 रुपए, 90,630 आ रहा है ये, 90,630, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको और टोटल करो, ये तो टोटल है ही लगभग 67,900 है, 67,900 है, जाहिर सी बात है डेबिट साइड बड़ा है तो इसी को लिख देंगे इधर, ठीक है। और ये डेट क्या आएगी, 31 आएगी, महीने के लास्ट में क्लोजिंग क्लोज करते हैं हम लोग, 90,630 में से 67,900 माइनस कर दो, ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना आएगा, 22,730 रुपए, ठीक है। और बाय बैलेंस कैरी डाउन, वैसे मैं इसी से काम चला लेता बट ये क्वेश्चन में गिवन था इसके लिए मैंने इसे अलग रखा, ठीक है। और इसका बैलेंस आ गया 22,730 रुपए, टोटल हमारे पास दोनों साइड का जो ये वाला था 90,630 आ गया जी, ठीक है। सो आई बिलीव ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ हमने छोड़ा नहीं है, यहाँ पे डेट्स वगैरह हो गई, सारी चीजें हैं, चलिए ठीक है। ये ऊपर ध्यान रखिएगा, 5 और 8 तारीख वाली एंट्री बुक्स में आएगी नहीं, यहाँ पर हमारे कैश बुक में नहीं आएगी, बाकी और किसी में जाएगी, जनरल प्रॉपर में जाए, कहीं भी जाए, कैश बुक में नहीं आएगी एंट्री, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको।